أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरी प्यारी बहनों कैसे हैं आप अल्लाह सुभान व तआला सबको वैसा ही बना दे जैसे अल्लाह ताला की रजा है आमीन रबराली सदरी व वसरली अमरी व हलुल वाहत मिलसानी यफ़ा काउली रबनाजन इल्मा आमीन आज हम आया नंबर वन फोटी सिक्स सूर्य आल इमरान के ऊपर और हम उहद के बैकग्राउंड में जो सारी आयात नाजिल हुई थी वो हम पढ़ रहे हैं पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि आ, मौत जो है वो अल्लाह के इज़न से ही आती है अल्लाह की मर्ज़ी से आती है अल्लाह लिखी हुई है किस जगह और किस वक्त में आनी है इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं बहादुरी के साथ जो काम करना करें और नीयत को दुरुस्त रखें कोई भी काम कर रहे हैं बड़े से बड़ा शहादत के लिए आप तैयार हैं और मैदान जंग में जा रहे हैं अल्लाह ताली के लिए जान लड़ाने के लिए जा रहे हैं लेकिन इतना बड़ा काम ज़ाया नहीं होना चाहिए नीयत की ख़राबी की वजह से नीयत अपनी दुरुस्त कर लें और क्योंकि जिस चीज़ की बंदा नीयत करता है वो चीज़ उसको मिलती है और अल्लाह सुबहान शाकिरीन को बहुत ज़्यादा देने वाला है वो लोग जो अल्लाह अल्ला सुबीन की दी हुई नियमतों को उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जैसा कि उसका हक़ है और अल्लाह ताली की शिक्र गुज़ारी भी करते हैं अब आया नंबर वन फोर्टी सिक्स आउदबीनशीतरजीम बसम व और कितने ही मिन नबी नबियों में से क़ल जंग की माहू उसके साथ रबी ना अल्लाह वालों ने रिब्बी की जमा है और राबा रा इसका रूट लेटर है वो लोग जो अल्लाह वाले होते हैं ततरुन बहुत से फमा तो ना वाह नू इसका रूट लेटर है सुस्ती दिखाना हुँ? तो ना उन्होंने सुस्ती दिखाई लिमा वास्ते उसके जो हम पहुँचा उनको स्वाद वा बा से है ये में सबी लाही अल्लाह के रास्ते में वमा और ना दाऊ फू से है दौद आइन्फा कमज़ोरी दिखाना ठीक है तो ना उन्होंने कमज़ोरी दिखाई वमा और ना इस्तकानु वो दबे सीन का अफनून से है शकना ठहर जाने को कहते हैं तो ना वो एक जगह पे रुक गए टिक गए दबे व्लाहु और अल्लाह ताला व मोहब्बत रखता है अबरीन सबर करने वालों से और शबिर की जमा है शाबरीन और ये जमा साल है ठीक है ना सॉलिड प्लूरल है क्योंकि अगर हम यान हटाएंगे तो पीछे पूरे का पूरा शहाबिर बैठा हुआ हमको मिल जाएगा जो वाद है वह माँ का ना और नाती क़िला की काउल से है काफालाम से इल्ला मगर अन के कौल उन्होंने कहा रब बना ए हमारे रब एग फिर लना बख्श दे हमारे लिए जुनू बना हमारे गुनाहों को जम्ब की जमा है जूनूब व इसराफना और हमारी ज्यादियाँ इसराफ किस को कहते हैं ज्यादी को फ़ी अमरीना हमारे मामले में व सब बिथ और जमा अकदामना अकदाम अकदाम कदम की जमा है काफ़ मीम से है अकदामा हमारे कदमों को वन सुरना और मदद फरमा हमारी नून सदरा से है नसर उस मदद को कहते हैं जो मुश्किल वक्त में दी जाए वन सुरना और मदद फरमा हमारी कौमी उस कौम के ख़िलाफ़ ठीक है ना आला जब आ जाए ना नसर आला तो उसका मतलब होता है कि उस कौम के ख़िलाफ़ किस कौम के ख़िलाफ़ अलकाफ़रीन काफिरों की कौम के खिलाफ काफिरों की कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा आता हम तो अता किया उनको अल्लाह ने हमजा ताया से है सवाब दुनिया का सवाब व हुसन और अच्छा है, सवाब आखिर आख़रत का सवाब वल्लाहु और अल्लाह ताल मुहब्बत मोहब्बत रखता है अलमुहसिन एहसान करने वालों से मोहसिन की जमा है महसिन आगे से यानून हटाएंगे तो पीछे आपको पूरे का पूरा आ, वाहिद नज़र आ जाएगा और ये जमा सालिम है सॉलिड प्लूरल है अब इस आयत के बीच में अल्लाह वाल साबिका अम्बिया और मुजाहिदीन की मिसाल देकर ओहद वालों को क्या समझा रहे हैं कि तुम्हें वक्ती तौर पर शिकस्त का हादसा तो पेश आया लेकिन इसमें बेसब्री या बेदी या हिम्मत हारने का कोई जवाज़ नहीं पैदा होता ये ईमान वाला को अशेवा नहीं होता ईमान वाले जब इरादा कर लेते हैं तो वो काम कर गुज़रते हैं और उसका रिज़ल्ट उनके हाथ में नहीं होता अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट नहीं लोगों के हाथ में दिया हुआ रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में है कोशिश इंसानों के हाथ में होती है तो किसी भी इंसान की परख अल्लाह उसकी कोशिश पर करेगा कि उसने कितनी कोशिश की थी तो जो आ, रिपी होते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं जिनको देख कर अल्लाह ताला याद आते हैं वो कोई भी काम कर गुजरने वाले होते हैं उनको ये लालच नहीं होती इसके बदले में आपको क्या मिलेगा वो किसी दुनिया की फतह और नुसरत और शान और शौकत और दौलत को नहीं देख रहे होते ये चीज़ इंसान को बहादुर बना देती है जब आप चीज़ों से नहीं ना जुड़े होते तो फिर आप बहादुर बन जाते हैं आपको एक मिसाल वैसे मैं घर की दूं क्योंकि आप औरतें हैं ना तो फिर घर की मिसाल मैं आपको देती हूं जिन औरतों को ये डर होता है कहीं मेरा सेट टूट ही ना जाए हिला कोई प्लेट टूट ना जाए तो उसकी एक प्लेट के ऊपर टक लग ही जाता है और डर डर के भी डरे ना तो नुकसान उठाता है और फिर वो चीज़ हसरत दिल से जाती नहीं मैंने वो प्लेट उठाई क्यों थी अगर मैं ना उठाती तो मेरा सेट ना ख़राब होता और ये वो लेकिन जब आप ये कहते हैं कि चीज़ें चली गई इन्ना ले व इन इलैहि लहरा ये चीज़ें गई हैं तो मैं भी तो जाने वाली हूँ मैंने भी तो चले जाना है तो फिर इंसान जो तो है ना बहादुर बन जाता है फिर दुनिया का कोई नुकसान इंसान का दिल नहीं तोड़ता आप हर चीज़ को लेते हैं अल्लाह ताला और दे देगा अल्लाह सुबहान तला ने ये लिया तो और दे देगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हुं? तो जो अल्लाह वाला होता है ना वो कमज़ोरी नहीं दिखाता उसको तकलीफ़ पहुंचती है अल्लाह के रास्ते में तो वो डावा डोल नहीं होता वो कमज़ोर नहीं होता वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है ये भी बड़ी मज़े की बात है कुछ लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए गुजार देते हैं कि मुझे कोई मोटिवेशन चाहिए मुझे कोई मोटिवेशन चाहिए तब मैं उठ के खड़ी होंगी तब मैं कोई काम करूंगी तब मैं पढ़ाई करूंगी तब मैं किसी की मदद करूंगी मोमिन जो होता है ना वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है उसका मतलब है कि उसको धक्का स्टार्ट नहीं है कुछ गाड़ियाँ होती हैं ना वो धक्का स्टार्ट होती हैं चाहे उनकी शक्ल कितनी भी खूबसूरत होती है आप स्टार्ट करें नहीं तो धक्का लगाएंगे तो वो स्टार्ट होंगी और कुछ गाड़ियाँ पहले ही सेल्फ पे ऐसे छका छक चक करके स्टार्ट हो जाती हैं तो हम ईमान जो है ना वो हमको हर वक्त ऐसे चाक को चौबंद रखता है जैसे वो सुरे नूर में आए थे नूर है ना कि अल्लाह सुबहान मोमिन के सीने के अंदर जो उसका दिल है जो नूर से भरा हुआ उसकी मिसाल दी है कि न, बस इतना पाकिजा है उसके दिल के अंदर का चराग के आग उसके पास ना भी जाए तो जलने के लिए तैयार बैठा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो नेकियों का इंतजार नहीं करता वो नेकियां करने के लिए तैयार बैठा होता है और उसकी आंखें नेकियों को ढूंढ रही होती हैं और ढूंढ ढूंढ के कर रही होती हैं लेकिन वो इंतजार नहीं करता तो बिल्कुल इसी तरह मेरी प्यारी बहनों हमने ज़िंदगी गवानी नहीं है ये ज़िंदगी के एक एक लम्हा इन्वेस्ट करना है अल्लाह ताला के रास्ते में चाहे किसी तरह भी करें आपके पास खुला मैदान है नेकियों का आप अपने घर वालों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ अपने बच्चों के साथ अपने खामत के साथ अपनी ज़ात के साथ पूरी दुनिया के साथ भलाई का, का काम कर सकते हैं और कोई एक मैदान छोटा है बहुत बड़ा है आप नीयत अल्लाह ताली की करें लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेकार में ज़ाया ना करें ड्रामे फिल्में देख के सीरीज़ के ऊपर एक ड्रामा आ गया तो दूसरे का इंतज़ार दूसरा आ गया तो तीसरे का इंतज़ार और हर वक्त एक फिर उसके ऊपर बहस फिर उ, 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 उसके ऊपर ग़ौर फिक्र अफ़रदीन ये कोई करने के काम है हमारे लिए तो हमारी ज़िंदगी का एक एक लमह बहुत बहुत कीमती है अब आप ये देखें कि मुसलमान जब लड़ता है ना अल्लाह की राह में तो उसको बहादुरी कैसे आती है कि एक दफ़ा इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि मुल्क फारस में मुसलमान गए और उनकी जंग हो रही थी ईरानियों के साथ तो उन्होंने दजला में अपने घोड़े डाल दिए कि मरेंगे नहीं जब तक हमारा अल्लाह ताला ने मौत नहीं लिखी होगी बहादुरों को तरह उतर जाओ मैदान के अंदर तो ईरानी दौड़ पड़े भाग गए मैदानी जंग से ये कहते हुए कि देो आमदन देो आमदन कि ये तो देो आ गए हैं ये तो जिन आ गए हैं कि इनको पानी से भी किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा और ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारी तरफ तो वो खौफ खा गए थे तो मुसलमान वसाइल के ऊपर भरोसा नहीं करता अल्लाह ताली की ज़ात के ऊपर भरोसा करता है और काम में अपना पूरा एफर्ट लगा देता है और उस काम का रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में छोड़ देता है कि अल्लाह ताला जितनी आपने मुझे सलाहियत दी थी जितनी मैं कोशिश कर सकता था मैंने कर लिया अब इसमें कामयाबी देने वाली आपकी ज़ात है तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि जो रिबी होते हैं वो नबियों के साथ वसाइल थे या नहीं थे उन्होंने जंग की और भरोसा उनका किसके ऊपर था अल्लाह सुबहान तला के ऊपर वल्लाहु यु और आपने देखा है कि माइत भी अल्लाह की कीन के साथ होती है आपने देखा होगा कि वसल्लम ने आपको पता है ना कि रसूल वसम ने कितनी दुआएं मांगी थी बदर के लिए ओहद में कितनी दुआएं मांगी थी तलुद ने दुआएं मांगी थी अपनी जंग जब जालूत के साथ होने लगी थी तो असल में बात यह है कि अल्लाह सुबहान तला पे भरोसा इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून देता है अब ये अगली आयत देखें कि जो सब्र करने वाले यानी जम जाते हैं नेकी का काम शुरू किया है उस पर जम गए हैं उधर से अब भागेंगे नहीं जान पे आ गई है मैदान जंग में मौजूद है लेकिन काम कंप्लीट करेंगे और उस वक्त भी जब इतनी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं और अल्लाह ताला की राह में निकले हुए वो क्या कह रहे हैं बात उनकी क्या होती है रब बना फिर लाना तनू बना उनको डर ये होता है अल्लाह ताला तू हमारे गुनाहों को बख्श दे यानी नेकी के काम करते वक्त दुआएं कबूल हो रही होती हैं और सबसे बड़ी दुआ जो इंसान मांग सकता है वो क्या हो सकती है मेरी मखफ़िरत करते हैं अल्लाह मुझे बख्शते हैं अल्लाह मुझे बख्शते हैं पता नहीं कौन सी मेरी गलती किसी गलती पर पकड़ ना हो जाए कहीं आप मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ आप देखें कि वो हज़रत इब्राहिम के बारे में आता है ना वी अरफ़ा इब्राहीमद अमिनब व इसमाइल रब्बना तकबल मन्ना इन्नाकन तसम यानी इतना बड़ा काम कर रहे थे ये मुश्किल काम था कोई आसान काम नहीं था उस जगह के ऊपर काबा को बनाना और उसकी बुनियादें रखना और फिर उसका और साथ में दुआ क्या कर रहे थे अल्लाह कबूल कर लेना अल्लाह इसको कबूल कर लेना यानी डर रहे थे निकी का काम करके तो हम तो बड़े शान में हो जाते हैं कि वाह भाई अल्लाह तो देंगे ही देंगे अजय नहीं आजसी हो जाती है जिस वक्त नेकी का काम कर रहे होते हैं उस वक्त भी आजसी और अल्लाह ताला से इस्तफ़ार और अल्लाह सुबहान तआला से दुआ आ, ये देखें कि वो दुआ मांगते हैं रिबी भी जो होते हैं जो पैगम्बरों के साथ जंग करते हैं और क्या कहते हैं व इसराफ फ़ी अमरीना अल्लाह हमारा इसराफ़ को भी बख्श दे जहाँ कहीं हमने ज़्यादती की उसको भी बख्श दे और अपने वसाइल पर यकीनी कहते और क्या कहते हैं वब पे तकदा मना और हमारे क़दमों को जमा दे अल्लाह ताला तू जमाएगा हमारे क़दमों को हमारी तलवारें हमारी शील्स हमारे घोड़े हमारे ऊँट ये चीज़ें काम नहीं आने वाली कदम को जमाएगा तो अल्लाह सुबहान तै जमाएगा जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है ना कि बदर के मैदान में रसूल वसलम ने रेत उठाई थी और मुश्कों की तरफ फेंकी थी तो अल्लाह ताला ने आयत क्या नाजिल की वह माँ रमैता इध अल्लाह वाला किन्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपने रेत नहीं फेंकी थी बल्कि वो अल्लाह तआला ने फेंकी थी क्यों कैसे क्योंकि वो रेत के ज़र्रे हजार लोगों की आंखों में चले गए <laughs> ऐसे हो सकता है कि एक बंदा मुठ्ठी पकड़ के तो ऐसे फेंके पूरे लश्कर की तरफ तो पूरे लश्कर की आंखों में वो मट्टी चली जाए नहीं हो सकता लेकिन रसूल रसुल्ला वसम ने वो कोशिश की वो चीज़ की और उनके लिए आ, आ, उनकी शिकस्त के लिए दुआ की और अल्लाह सुबहान तला सब की आंखों में वो रेत डाल दी तो असल में करने वाली जात तो अल्लाह ताला की है वो सिर्फ़ हमारी छोटी चुट छोटी कोशिशों पे अल्लाह तड़ी बड़ी मदद भेज देता है ठीक है ना ये याद रखने की बात है क्योंकि हम अक्सर वेशतर ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम अपने आप को क्रेडिट देने लग जाते हैं या लोगों को क्रेडिट देने लग जाते हैं और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हाई ये अगर मैं इस वक्त डॉक्टर के पास ना पहुँचती और वो डॉक्टर भी बड़ा अच्छा था इस जुमले की बजाय आप कहती है अल्हमदिल्ला के अल्लान तौल ने मुझे तौफीक दी और अक़ल दी उस वक्त कि मैं उस जगह पे पहुंच गई और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने उस डॉक्टर के हाथ में शिफा रखी थी अब दोनों जुमलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है है ना फ़र्क तो अल्लाह ताला को हमने हर जगह पर मेन्शन करना है क्योंकि असल में ताकत अल्लाह ही की होती है कि वह हमसे कुछ करवा ले ठीक है ना मेरी प्यारी बहनों और आगे की आयत क्या है वन सुर ना आलकौमिल्क्याफ़रीन और अल्लाह ताला हमारी मदद कर काफिर कौम के ख़िलाफ़ और आप देखें कि हज़रत मूसा सलाम इतने जापिर आदमी फिर और जिसकी फ़ौजों के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वो मेखों वाला था इतनी उसकी मेखें होती थी क्योंकि वो टेंट लगाते थे उसके फ़ौजी जहाँ पर भी जाते थे इनतहाई जाबिर आदमी और इंतहाई क्रूअल बंदा ज़ालिम आदमी था और उसकी ताकत भी बहुत बड़ी थी लेकिन अल्लाह ताला ने उसको किस तरह बर्बाद कर दिया अपनी फ़ौज के समेत अब रहा आया था काबा को उठाने के लिए और ऐसी फ़ौज लेकर आया था जिसका मुकाबला कुरैश नहीं कर सकते थे तो अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों के ज़रिए से उसको तबाह कर दिया नू अम ने नौ सौ पचास साल तबलीग की और कौम का एक बड़ा हिस्सा जो था वो काफिर ही था और अस्सी लोग जो थे वो उनको मानने वाले थे तो कौन तबाह हुए अस्सी लोग अगर दुनिया के हिसाब से तो हम देखें तो कहें अस्सी लोगों को वो दो घड़ी में मार के तो परे करते और पूरी की पूरी कौम जीत जाती क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा थी उनके पास वसायल ज्यादा थे लेकिन क्या हुआ नू असलम को कामयाबी हुई है ना यही बात है ना तो अल्लाह तला जब किसी कौम की मदद करता है तो वो चाहे तादाद में छो थोड़ी हो और उसके पास वसायल थोड़े हों अल्लाह ताला उसको कामयाब कर देता है अभी भी देखें कि मुसलमानों को जो सारी दुनिया में जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर हमने ये नहीं कहना कि हाई मुसलमानों में तो कोई ताकत ही नहीं है मुसलमानों के पास आप अल्लाह दुआ करें आप बस अल्लाह तला से दुआ करें अल्लाह ताली आपको जमा देगा इन तो अल्लाह ताली कहते हैं कि इस दुआ के साथ जब उन्होंने जंग की उन्होंने कमज़ोरी नहीं दिखाई उसने उन्होंने आजी नहीं दिखाई उन्होंने आ, सुस्ती नहीं दिखाई तो क्या हुआ फातात दुनिया कि अल्लाह तला ने उनको दुनिया का स्वाब भी दिया बहुसना स्वाबिल आखिर और आख़रत का जो स्वाब मिलेगा वो तो क्या ही अच्छा होगा क्यों क्योंकि आख़रत की चीज़ें देरपा हैं ना हमेशी वाली है ना देखिए इस दुनिया में आपको को कोई चीज़ दे कोई भी चीज़ वो टूट जाती है पुरानी हो जाती है आ, म, फैशन में नहीं रहती आ, या कुछ भी उसका उस घिस जाती है लेकिन आख़रत की चीज़ें हमेश की वाली होंगी जैसे आप जन्नत में जब चाहेंगे तो आपकी खूबसूरती हमेश की वाली होगी आप बूढ़े नहीं होंगे आपकी एज बहुत दायमी रहेगी जवानी वाली आपकी खुशियाँ दायमी होंगी आपकी सेहत दायमी होगी आपकी ज़िंदगी दायमी होगी सुबह ना हमेश की वाली तो वो जो सवाब मिलेगा वो तो बड़ा ही आला होगा है ना वाल वाहिबलमोसिनल तहसिन को मोहब्बत करता है मोहसिन से मोहब्बत करता है और मोहसिन कौन होता है एहसान करने वाला एहसान करने वाला कौनता है जो हसीन तरीके से खूबसूरत तरीके से नेकियां करता है जो बढ़ बढ़ के नेकियां करता है हुँ? तो आप देख लें कि आप मोहसिनीन में से हैं या नहीं वो कैसे देखता है इंसान कि आपका रवैया कैसा है आपकी दुआएं आप सबसे पहला तो ये बात है ना कि वसल्लम ने जब एहसान का मतलब बताया था तो क्या बताया था कि तुम ऐसे ही इबादत करो अल्लाह ताला की जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो और अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है ये एहसान है ये खूबसूरती से की गई नेकी है हाँ तो अल्लाह ताला से दुआ करें ये वाली दुआ तो हम भी मांगे रबरल ना तो नोबना वराफ नाफ़िया अमरीना मतलब पे तकदासर कल के आफरीन इस वक्त के लिए तो बेहतरीन दुआ है हमारे लिए अल्लाह सुबहान तैाल हमको अपने रास्ते में इस्तेमाल करे अल्लाह ताला हमें जिस्मानी आ, सुस्ती और कमज़ोरी से बचाए ये जो दुआ है ना अल्लाउिकमिनमी वाल हजनी व बखले वजुबनी वल अजी बल्कसली वल अजी वलका सले व गलाबद्दीन वक़ाहरजाल ये कमज़ोरी और सुस्ती और काहली अल्लाह ताला इससे बचाए और हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह ताला आख़रत के लिए इन्वेस्ट कर दे अल्लाह ताला हमारी नियतों की हिफाजत करे और आख़रत के लिए उनको आ, बचा के रखे और अल्लाह ताला ऐसा करे कि हम कल्ब सलीम के साथ अल्लाह के सामने पहुँच जाएँ बस अब एक ही दुआ बंदा करता है कि ये टाइम ऐसा आ गया मेरी प्यारी बहनों के जो बंदा ईमान के ऊपर मर रहा है ना उस पर रश किया जाता है रश करते हैं क्यों क्योंकि इस कदर यूट्यूब टिकट फेसबुक ट्विटर यानी कौन सी चीज है लोग मिनट मिनट में फिसल जाते हैं मिनट मिनट में फिसल जाते हैं ईमान गंवा बैठते हैं लोगों की बातें सुन के मुख्त नाम नादलमा जो होते हैं उनकी बातें सुनकर ईमान से हाथ धो बैठते हैं किसी बड़े ईमान के आर्टिकल का इकर, इनकार कर देते हैं आखरत का इनकार कर देते हैं कुरान की आयत का इनकार कर देते हैं नाउद नाउदबिल्ला तो जो पक्के पक्के ईमान के साथ इस दुनिया से जा रहे हैं वो रश के काबिल हैं अल्लाह सुबहान तैसे से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें भी अल्लाह सुबहान बस मरते वक् नसीब कर दें क्योंकि रसूल ने फ़रमाया था कि जो मरत वक् आखिरी कलमा जिसका होगा अल्लाह सुबह ती उसको बख्श देंगे ये हदीस का मफहूम है मैं आपको जब तक ये ना ना कहूँ कि एग्जैक्ट वर्ड्स हैं तो फिर आप यही समझा करें कि मैं हदीस का मफहम आपको बता रही हूँ तो अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं करें सब मुसलमानों के लिए ढेरों ढेर अपनी सी कोशिश करते जाएं अपनी नीयत को खालि सल्ला के लिए रखें बार बार बोलें अपने आप को अल्लाह के लिए कर रही हूँ अगर किसी ने भी ना देखा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी ना पता चले मेरी नेकी का तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हर वक्त दुआएं मांगे क्यों क्योंकि दुआ एक तो आपको फ़ायदा देती है जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाता है और अगर ना मिले तो उससे बेहतर चीज़ मिलती है और दूसरा दुआ के अमल के ऊपर अजर मिलता है ये बहुत मज़े की बात है क्योंकि जो दुआ मांग रहे हैं ना दुआ इबादत है और इबादत पे आपको क्या मिलता है अजर मिलता है ना हाँ जी तो ये एक इबादत का तरीका है जो आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांग रहे होते हैं और एक किस्म का ताल्लुक़ होता है आपका अल्लाह ताला से बहुत गुरबत का उस पर भी अचर है दुआ के मिलने के अलावा ठीक है मेरी प्यारी बहनों चलिए अल्लाह चले तआला से दुआ करें किल्ल मजालामिकल्लुअन वजह का ख़ालसन वजलफी लिअहादिन शैया अल्ल तीन नीत को ख़ालस खालसिश अपने लिए रख और उसमें किसी दूसरे का हिस्सा ना रखा आमीन 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 بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته